चीन में कोविड केसेस ने हाहाकार मचा रखा है। वहां लाशों से अस्पताल भरे हैं और अंतिम संस्कार के लिए कब्रिस्तानों में जगह नहीं है। इन खबरों के साथ भारत में भी लोगों की चिंताएं बढ़ गई हैं। इंडिया पर इस सिचुएशन का क्या असर पड़ सकता है, इस पर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने बातचीत की। उन्होंने बताया कि आने वाले महीनों में भारत पर कोरोना का क्या असर पड़ सकता है। वहीं डॉक्टर नरेश त्रेहन का कहना है कि कोरोना वाले देशों से हमारी कनेक्टिविटी है, इसलिए सतर्क रहना बेहद जरूरी है। चीन में इस वक्त कोरोना ने फिर से दहशत का माहौल ला दिया है। आने वाले महीनों में भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा, इस पर डॉक्टर गुलेरिया ने हिंदुस्तान टाइम्स से बातचीत में बताया, जब पैंडेमिक आया तब हमारे पास वायरस के खिलाफ इम्यूनिटी नहीं थी, इस वजह से कुछ लोगों में सीवियर इन्फेक्शन हो गया। अब करीब 3 साल हो गए हैं, हमारे यहाँ काफी लोगों को नेचुरल इन्फेक्शन हो चुका है, कई लोगों को 2-3 बार कोरोना हो चुका है। वैक्सीन का कवरेज भी काफी है, हमारी इम्यूनिटी वायरस से बचाव करने के लिए मजबूत है, इसका अटैक सीवियर नहीं होने देगी। वहीं डॉक्टर नरेश त्रेहन ने टाइम्स नाउ नवभारत से बातचीत में कहा कि चीन में कोरोना का विस्फोट हुआ है, ये जानना जरूरी है कि कौन सा सब वेरिएंट है जो इतनी तादाद में असर हुआ है। उन्होंने बताया कि ये पता करना चाहिए कि कितनी मौतें हो रही हैं। भारत में 3,500 केस रिपोर्ट हुए हैं, इसका ये मतलब भी नहीं है कि बस इतने ही केस रहे होंगे, क्योंकि अपने देश में लोगों ने टेस्ट करवाने बंद कर दिए हैं। जिसे खांसी जुकाम होता है वे इसे फ्लू समझकर इग्नोर कर देते हैं। इसके लक्षण हल्के हैं, ओमिक्रॉन 2-3 दिन में ठीक हो जाता है तो लोग टेस्ट नहीं करा रहे। डॉक्टर त्रेहन ने कहा, हमारे लिए इससे सतर्क रहना जरूरी है। जापान वगैरह में कोविड फैल रहा है, हमारी कनेक्टिविटी इन देशों के साथ है, इसलिए सतर्क रहने की जरूरत है। हेल्थ मिनिस्टर की हाई लेवल मीटिंग भी है, दुनिया में ये जो हो रहा है उसे देखकर हमें जरूर अलर्ट रहना चाहिए।